आईएस का महासचिव हूं और गंगवार साहब भी पीसीएस के महासचिव और हमारे कार्य सचिवालय के भी एक पदाधिकारी हैं, हमारे सेक्शन में है और उन्होंने कहा कि मिश्रा जी भी राष्ट्रीय महासचिव हैं और अध्यक्ष हैं, तो सब सब पदाधिकारी हैं, तो पदाधिकारी जब हैं तो कर्मचारियों की समस्या हल क्यों न होता बराबर बातचीत होती रहेगी और जो मामले अगर कहीं कोई आदेश नहीं हुए हैं उसको करिए। आपके अध्यक्ष महामंत्री से उन्होंने भी कहा कि आपको कोई समस्या है, कहीं भी कोई विधायक कोई नेता मारपीट करे आप हमको व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप करें और हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा हमने बहुत से ऐसे कार्रवाइयां की हैं कई विधायकों को, मुख्यमंत्री जी ने खुद कार्रवाई की कि ये गलत है, कर्मचारियों के साथ आप इस तरह का झगड़ा फसाद क्यों करते हो। इसने कहा कि अब ऐसी समस्या ही नहीं आएगी कि नेता लोग आपसे कोई झगड़ा करें, उनका सब समस्याएं आपकी हल होगी और कोई दिक्कत कहीं आए जिले में आप तुरंत व्हाट्सएप करिए हमको, मैं व्हाट्सएप पर कार्रवाई करूंगा, आपको कम्युनिकेट करूंगा। इसलिए साथियों आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपकी एकता आपका जो ताकत है इसको और बढ़ाइए, जैसा हमारे परिषद के अध्यक्ष जी ने कहा परिषद को सहयोग दिए, पूरे कर्मचारी परिवार को सहयोग दीजिए, जिससे कि हम सब मिल करके प्रदेश के वेतन विसंगतियां हैं, आपके भत्ते का है। उन्होंने कहा कि हम इसको संस्तुति कर चुके लेकिन वो वेतन समझी की रिपोर्ट तो जब तक निर्णय सरकार नहीं करती वो लागू नहीं हो पा रहा है। हम उनका आज हम वित्त से कहना बड़ा मुश्किल होता है, मैं फिर भी आपकी पैरवी करूंगा कि आपकी हो जाए, प्रमोशन हो और आपका कैडर जो है अभी 40% हुआ है, 37% और पूरा कैडर आपको भरने के लिए हम लगे हुए हैं कि अधीन चयन सेवा आयोग से भर्तियां हो जाए और पूरा कैडर आपका हो जाए, जिससे कि कर्मचारियों की कमी वहां जाना पड़ा। अब कहां जाकर एक घोषणा कर देंगे, आप सभी लोग अपने अपने जनपद में जाकर अपने जो परिषद की इकाइयां हैं उनको भी संचरित करें, मजबूत करें, जिससे कि हमारे जो भी भावनाएं हैं जो परिषद स्तर की हैं वो पूर्ण हो। और दूसरा मैं एक और निवेदन करता हूं, क्योंकि संगठन में धन की भी आवश्यकता होती है और उसके लिए आप लोगों को पिछली बैठक में बता दिया गया था, तो आज मैं अब इसी क्रम में मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा और मैं आप सब लोगों का आभारी हूं कि आप हमारे आह्वान पर इतनी जटिल समस्याएं हमारे अधिकारियों ने हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए की, उस स्थिति में आपके चेहरे खिलते हुए चले आए यहाँ पर बगैर किसी डर के, बगैर किसी नजर के, वीर तुम रहे चलो है, तो ऐसे इस तरह से हमसे हम पुश करते, हमें पुश करने का काम कर रहे थे आप लोग। आप हमारे प्रमोटर हो और आपकी प्रमोटर की मैं बधाई देता हूँ और कृतज्ञ आभारी रहूंगा जब भी आप पुकारोगे रात हो दिन हो। इस संदर्भ में हमारे उत्तर प्रदेश के बहादुर साथियों ने परवाह ना करते हुए प्रशासन की इसमें जबरदस्त भाग लिया, उनको आभार प्रकट करते हुए मैं आभार गंगा आयोग के महोदय संजय आरुण शेट्टी का भी करूंगा। उन्होंने मेरे 12 सूत्र मांगों को सब मांगों को लगभग मान लिया है और उन्होंने कहा कि 15 दिन में सारा दिखेगा, तो मैं आश्वस्त हूँ कि जो उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करेंगे, इसलिए मैं इस धरने को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जिंदाबाद।